हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास टेंथ का। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी मैंने ख़त्म कर दिया है और उसी का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के ऊपर एक हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, ठीक है, तो उसको भी आप फॉलो कीजिए। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का और एक पार्ट है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम एनसीईआरटी बुक करेंगे चैप्टर नंबर 9, उसके जो हमारा न्यू एनसीईआरटी बुक है उसे हम पढ़ेंगे और उससे हम चीज़ों को समझेंगे। तो ये चैप्टर 9 हमारा एनसीईआरटी का चलेगा और साइड बाय साइड हमारा 10th का जो टॉपिक चल रहा है क्वेश्चन सीरीज ऑन ट्रिग्नोमेट्री वो तो हमारा चलेगा ही। साथ ही साथ ये चैप्टर और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज हम, दैट इज चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो चलो आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका न्यू एनसीईआरटी बुक। ओके, देखो आप देख सकते हो ये हमारा नया एनसीईआरटी बुक है। तो इस बुक से हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि चैप्टर 9 है क्या। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से हम समझ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो, सारे जाके मेरे वीडियो देख लेना। जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर नंबर हमारा 8 था उसके ऊपर एक एक एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया गया है। और उसी फोल्डर में, उसी फाइल में एक्चुअली मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का। वहाँ पर आप देखिएगा कि आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपको एक एक सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं मैंने। और उसी फोल्डर में आप जाएगा, उसी प्लेलिस्ट के में, तो आपको अलग लेवल का क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगा। क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, वो एक हमारा सीरीज चल रहा है। तो जैसे सीरीज, जैसे क्वेश्चन बनता है वैसे ही मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ। तो एक प्रॉपर आपको एक पैकेज मिल रहा है जहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री के फोल्डर में जाओगे उसके अंदर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे और बाहर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज़ ऑन दैट सीरीज, क्वेश्चन सीरीज उसके अंदर, ठीक है। तो एनसीईआरटी खत्म करने के बाद उसको मूव ऑन कर सकते हो। क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन दैट ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब करवाए जाएंगे। अभी तो दो तीन क्वेश्चन ही अपलोड हुआ, इस पर डिफरेंट डिफरेंट होगा उस फोल्डर में। तो ये दूसरा आज प्लेलिस्ट बनने जाएगा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसके अंदर मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे बिट बाय बिट, और उसी फोल्डर में, उसी जो हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो फोल्डर है क्लास 10th का, उसी के अंडर में आपका फिर वैसे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पल कवर करेंगे और अदर बुक्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। बट वो क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उस पर वो आएगा। क्वेश्चन सीरीज बोल के एक आएगा, क्वेश्चन सीरीज ऑन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उस सीरीज़ में चलेगा हमारा, जो उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसमें डिफरेंट बुक के होंगे। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका हो गया, डिसर्मा हो गया, उस लेवल में उसके कवर होंगे। तो इसी तरह करते करते सारे चैप्टर हम कवर करेंगे इसी पैटर्न में। जैसे चैप्टर नंबर 8 आपको पढ़ाया, पहले एनसीईआरटी करवाया, फिर उसके बाद से आपको डिफरेंट बुक से करा रहा हूँ जो क्वेश्चन सीरीज ऑन ट्रिग्नोमेट्री में। फिर ये चैप्टर अभी पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 9, फिर इसके भी क्वेश्चन सीरीज आएंगे। तो इस तरह सारे चैप्टर का पहले एनसीईआरटी, देन उसके बाद क्वेश्चन सीरीज। ओके, उस क्वेश्चन सीरीज में अदर बुक्स कवर होंगे, जैसे आपको एक प्रॉपर पैकेज मिलेगा मेरे चैनल पे आपको। ओके, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। तो पहले पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक में आपका गिवन क्या है। देखो, हाइट और डिस्टेंस के बारे में आपको पता है, हाइट और कितने डिस्टेंस होते हैं। जैसे ये एक हाइट है और ये पता, इसके ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज़ डिस्टेंस। तो पढ़ते हैं इसमें एक लिखा क्या है जो आपके एनसीईआरटी बुक में। देखो इसमें क्या लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमने प्रीवियस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा था। इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडिंग अबाउट सम वे इन विच द ट्रिग्नोमेट्री यूज इन द लाइफ अराउंड यू। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट, जैसे आपको पता चले जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारे चारों तरफ जो हो रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट अस कंसीडर ए फिगर 8.1। तो ये हमारा फिगर 8.1 तो हमारा पीछे गया, आई थिंक दिस इज 9.1, इसे 8.1 लिख दिया। लेट मी चेक फिगर 8.1, आई थिंक वही है शायद। अच्छा, इसमें इसके बारे में बोला गया। अच्छा, ये वाला जैसे मान लो ये, हाँ इसके बारे में बोला गया, कुतुब मीनार के बारे में, इन द 8.1 द प्रीवियस चैप्टर। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पर। लेट अस कंसीडर, जो हम 8.1 फिगर देखेंगे, ये वाला 8.1 ऑफ द प्रीवियस चैप्टर विच इज रीड्रॉन बिलो। फिर से और एक बार इसको रीड्रॉ, यहाँ पर देखो सेम फिगर है ना, यहाँ पर जो फिगर था उसको फिर से यहाँ पर बनाया गया है। ओके, अच्छा क्या बोलना चाह रहा है 9.1 फिगर में, 8.1 से उठाया और 9.1 फिगर में उसने उसको चिपका दिया, बोला कि अभी देखो अब इसको ध्यान से। ओके, हम देख रहे हैं ध्यान से। तो बोल रहे इन दिस फिगर, ओके देखो ध्यान समझना क्या लिखा हुआ है। इन दिस फिगर द लाइन ए सी, जो हमारा लाइन जो ए सी है, ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द मीनार, ये जो कुतुब मीनार है, इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। देखो यहाँ ध्यान से ना, यहाँ एक जो छोटा सा बच्चा है खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, छोटा सा बच्चा है, उसकी उसका जहाँ पर आई है ना, जैसे उसका जहाँ आँख है वहीं से एक लाइन, देखो सीधा उसके आँख से वो लाइन शुरू हुआ है और सीधा गया है एट द टॉप ऑफ द मीनार। ओके,
फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द मिनर इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये है लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं. ओके, द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मिनर, मतलब ऊपर देख रहा है, इसलिए लाइन ऑफ साइट आपका इधर है ऐसे. फिर बोल रहे हैं द एंगल बी ए सी, तो हमारा एंगल जो बी ए सी यहाँ पर जो बन रहे हैं, बी यहाँ पर बी है, देखो बी ए सी, मैं पेंसिल से आपको समझाता हूँ. देखो यहाँ पर बी ए सी, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर देखो द एंगल बी ए सी सो फॉर्म्ड बाई द लाइन ऑफ साइट, मतलब लाइन ऑफ साइट के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पर और कैसे हम लाइन से देंगे, ग्राउंड से सीधा यहाँ पर दोगे, यहाँ पर इसको टेढ़ा नहीं करोगे, सीधा ए से लेके बी को ज्वाइन करोगे. तो ये लाइन ए बी लाइन और हमारा जो लाइन ऑफ साइट है ए सी, वो हमें एक एंगल बना के यहाँ पर दे रहा है. ठीक है, दैट इज दिस एंगल. अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये वाला एंगल जो है. ठीक है, द एंगल बी एस सी सो फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल, ये जो हमारा हॉरिजेंटल है जो बोल रहा है वो, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये जो एंगल हमारा बना कौन सा, ये जो हॉरिजेंटल जो नीचे है ये वाला, और उसको सीधा, ये जो हॉरिजेंटल कैसे बनाओगे, देखो उसके आँख से सीधा ऊपर जो जा रहा है लाइन ऑफ साइट है, और ठीक उसी के आँख से जो सीधा यहाँ पर जाएगा, उसके आँख से ही जाना चाहिए, सीधा हॉरिजेंटल में जाएगा. ठीक है, तो ये दो लाइन मिलके जो हमारा एंगल जो बना रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. इसको लिख लो अच्छे से कहीं. ठीक है, उसको देखो क्या बोल रहे हैं, दस द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. तो लाइन ऑफ साइट है क्या ये, ये लाइन ऑफ साइट क्या है हमारा, ये एक लाइन है जो कि ड्रॉ किया गया है कहाँ से ना, फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके आँख से लेकर कहाँ तक हुआ है, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द, जहाँ तक वो पॉइंट को देख रहा है, जहाँ उस चीज़ को देख रहा है, मतलब उसका फोकस सपोज यहाँ पर है तो यहाँ तक होगा, यहाँ से शुरू होगा आँख से उसके यहाँ तक जाएगा जहाँ पर वो देख रहा है. ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो आपसे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड, मतलब जहाँ तक पॉइंट व्यू द एंगल फॉर्म जो हुआ बाय द लाइन ऑफ साइट से विद द हॉरिजेंटल, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, लाइन ऑफ साइट से और हॉरिजेंटल लाइन से जो एंगल बना, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजेंटल लेवल, जो हॉरिजेंटल लेवल से जो देख रहा है हॉरिजेंटल लेवल से कितना ऊपर देख रहा है, वही है ना यहाँ पर, ये हॉरिजेंटल लेवल ये रहा, उसके ऊपर से वो कितना देख रहा है, कितना ऊपर देख रहा है, तो एंगल के द्वारा उसको हम दिखाएंगे. उसको देखो नेक्स्ट, यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में, और एक एग्जांपल दिया है 9.2 फिगर में, देखो यहाँ पर एक बच्ची खड़ी है, देखो उसके आँख से लेकर देखो सीधा है वो, समझ, मान लो यहाँ पर एक काइट है, ये तो मानना क्या है, काइट तो है, एक ऑब्जेक्ट है. देखो ये लड़की यहाँ से, इसका यहाँ उसका आई है, वो सीधा उसको ऊपर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देख रही है, दैट इज काइट. तो ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन ऑफ साइट है, और जी ठीक जहाँ से वो देख रही है, फिर उसको सीधे में आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टली. ठीक है, कर्व लाइन नहीं करोगे, सीधा ऐसे करोगे. ठीक है, यहाँ पर आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सीधा होना चाहिए. ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पर देखो जो एंगल बना रहे हैं, हमें पता ही है, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोले हैं. फिर और एक एग्जांपल देखकर हम वो समझा रहा है. ओके, नाउ कंसीडर द सिचुएशन फिगर 8.2 में, देखो तो चलो 8.2 फिगर कहाँ पर है हमारा, पीछे 8.2 फिगर देखो यहाँ पर पीछे, ये रहा. तो 8.2 फिगर जो है उसी को फिर यहाँ पर रखा गया है. देखो बोल रहे सिटिंग गर्ल सिटिंग ऑन द बालकनी, मतलब फिगर में क्या हुआ है, एक लड़की बालकनी में बैठी है, इज़ लुकिंग डाउन एट द फ्लावर पॉट, मतलब यहाँ पर बालकनी में खड़ी है और यहाँ पर एक फ्लावर पॉट है, आई थिंक कुछ भी है, छोड़ो, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसी को वो देख रही है. ठीक है, तो ऑन द स्टेयर ऑफ द कुछ भी हो, टेम्पल हो, कुछ भी हो, यहाँ पर पीछे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक्चुअली ये वाला फिगर है. ठीक है, ये वाला फिगर, इसमें देखो यहाँ पर लड़की है बालकनी में, टेम्पल के स्टेयर को कुछ, यहाँ पर कुछ पौधा है या फिर प्लांट उसको देख रही है, तो यहाँ मान लो फुटबॉल है, कुछ भी है, बस वो हम लोग टॉपिक पे रहते हैं. तो क्या मतलब, देखो यहाँ से खड़ी होकर वो देख रही है फुटबॉल को, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो उसका आई ऑफ साइट देखो कहाँ पर है, देखो लाइन ऑफ साइट चले, जो लाइन ऑफ साइट कहाँ पर है, देखो वो नीचे देख रही है, तो उसके आँख से लेकर जहाँ पर वो देख रही है ऑब्जेक्ट को, तो वो सीधा आप लाइन यहाँ पर ड्रॉ करोगे, दैट इज़ लाइन ऑफ साइट है. ठीक है, लाइन ऑफ साइट है वो, और फिर वहाँ से फिर उसको आँख से लेकर सीधा जो हॉरिजॉन्टल लेवल है हमारा, उसको हम ड्रॉ करेंगे. तो अब जो एंगल फॉर्मेशन होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल वाला जो लाइन है और जो हमारा लाइन ऑफ साइट है, अब जो एंगल फॉर्मेशन होगा, वो नीचे देख रही है ना, तो उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या बोलेंगे उसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे. यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा. ओके, तो अब सवाल आता है कि क्वेश्चन बनेगा किस पे, ये तो हमारा सिर्फ सिचुएशन दिया है, मान लो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे ये सब सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, अच्छा मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि अब बताओ कि ये डिस्टेंस कितना, कितनी दूरी पे वो खड़ी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है. यो ये फिर टावर, यहाँ पर मान लो टावर का हाइट पूछ लिया आपसे कि टावर का हाइट बताओ, मान लो सवाल पूछ लिया कि ये जो ऑब्जर्वर और इसका जो टावर का जो फुट, उसमें कितना डिस्टेंस है, उसमें इसका फुट, सॉरी ये जो लड़की है उसका जो यहाँ पर जो खड़ी है उसका फुट और टावर का फुट में क्या कितना डिस्टेंस है वो बताओ, ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे. तो बनाना कैसे है सवाल को, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगा. ओके, देखो तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है,
अब इसको पढ़ते हैं और फिगर बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इस तरह के जो क्वेश्चन है, सम अप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, फिर उसके बाद बच्चों एक फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। फिगर आप बनाओ, ठीक है, फिगर जरूर आपको बनाना है, फिगर नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं जो भी अभी अभी हमने पढ़ा है उसको हम कैसे अप्लाई करें उस पर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ बोला है एक टावर है, एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे यहाँ पर एक टावर स्टैंड, मैं फिगर बना लेता हूँ, इतना पढ़ के तो समझ में आया कि भाई एक टावर है, सिंपल सा एक फिगर यहाँ पर टावर बनाओ। ठीक है, एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये देखो ये ग्राउंड है, आप इसको ये ग्राउंड मान लो, ये नीचे आपका ग्राउंड है, मान लो ये मैंने ग्राउंड बना दिया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ पर एक टावर ऐसे खड़ा है, समझना ठीक से, ठीक है, ये एक ही लाइन है, यहाँ एक टावर खड़ा है वर्टिकली, वर्टिकली का समझ में आ रहा, अच्छे से वर्डिंग पर आपको फिगर समझ में आ जाएगा। बोला भाई एक टावर है जो कि स्टैंड हुआ है वर्टिकली, वर्टिकली कैसे होता है, देखो सीधा को बोलते हैं वर्टिकली, ऐसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, तो सीधा वर्टिकली ऐसे खड़ा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे, मतलब कहाँ से खड़ा है, पॉइंट ग्राउंड पर ही खड़ा होगा ना, तो यहाँ यहाँ पर देखो क्या बोले, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब इस पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब जो कि कितना है, कितना दूर है, 15 मीटर अवे है। ओके, 15 मीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ऐसे 15 मीटर आवे है फ्रॉम द ग्राउंड, समझना है इसको, और एक बार सुनो, एक टावर स्टैंड वर्टिकली खड़ा है यहाँ पर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब फ्रॉम एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड में एक पॉइंट ले लो विच इज 15 मीटर आवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक पॉइंट लेते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं, सॉरी ये वाला इधर पॉइंट एक होगा, एक पॉइंट लेते हैं ग्राउंड पे जो कि टावर के फुट से कितनी दूरी पे है, ना 15 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, पहले मैं गलती पढ़ दिया, एक्चुअली ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई एक टावर है जो कि वर्टिकली खड़ा है और एक ग्राउंड में एक पॉइंट है, ग्राउंड में ग्राउंड की जगह कोई एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो कि विच इज़ यहाँ पर लिखा है, देखो विच इज़ 15 मीटर आवे, जो कि ये पॉइंट टावर के फुट से जो कि ये 15 मीटर की दूरी पर, पॉइंट के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ पर है ग्राउंड में, देखो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ग्राउंड पे, अब उसके लोकेशन बता रहे हैं देखो कहाँ पर है ना, आप जो ग्राउंड में जो पॉइंट आप ढूंढ रहे हो दैट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर का जो फुट है उससे 15 मीटर की दूरी पर वो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पॉइंट दे दिए, 15 मीटर डिस्टेंस हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ बोले थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, अब एलिवेशन आपको पता है, फिगर तो मैंने आपको बताया था एलिवेशन कैसा होता है, एलिवेशन होता है इसका मतलब, यहाँ पर देखो जैसे आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन में तो हॉरिजॉन्टल होता है, फिर इसको ये लाइन ऑफ साइट होगा, तो अब लाइन ऑफ साइट कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल से बात है, तो यहाँ पर लाइन यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर तो लाइन ऐसे ड्रॉ करो, लाइन ऑफ साइट ये आपका लाइन ऑफ साइट है, यहाँ बोला है ना द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको हॉरिजॉन्टल तो मिल ही गया, अभी आपको एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है जो कि ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही आप फिगर पढ़े हो ना, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ कितना होगा, तो सिंपल सा है, एलिवेशन तो ड्रॉ करने आता ही, आपको पता है एलिवेशन कैसे होता है, लाइन ऑफ साइट और डिस्टेंस, मतलब नीचे से नीचे की तरफ से जाएगी या देखो ऊपर से आएगा तो डिप्रेशन बोलेंगे, ये नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, ऐसे ऐसे इसको याद रख लो, एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और नीचे से ऊपर का जो होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल बनेगा, डिप्रेशन में क्या होता है ऊपर से नीचे होता है, तो यहाँ से नीचे से एलिवेशन बोल रहे हैं, मतलब आप समझ लो कि नीचे से ऊपर को बोल रहा है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हमें यहाँ पर गिवन है, हमें हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, तो फटाक से हम यहाँ पर नेमिंग ले लेते हैं, इसको ए ले लो, इसको यहाँ पर बी ले लो, इसको यहाँ पर सी ले लो, और बच्चों ये सीधा है, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है, और क्योंकि देखो राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, विदाउट राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है, तो अब यहाँ पर हमारा मेजरमेंट हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पर आपको पता है ये जो हमारा बी सी है, तो जो भी हमें मिला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोग को एंगल जो सी मिला दैट इज 60 डिग्री, ये हमें गिवन पार्ट से मिल रहा है, फिर हमें मिल रहा है जो बी सी का, बी सी मतलब दिस वन, बी सी लेके सी का जो डिस्टेंस है वो मुझे मिल रहा है 15 मीटर, ये दो चीज़ें मुझे गिवन मिल गई, हमें निकालना क्या है, हमें क्या पूछा है हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या रिप्रेजेंट करता है, ए बी, हमारा ए बी ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना हाइट ऑफ द टावर, तो ए बी का हमें वैल्यू निकालना है, ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल का समझाने के लिए ले रहा हूँ, इसके अब यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसी पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब हमें ए बी का हमें हाइट बताना है कितना, तो सिंपल से बात है, देखो हमें मैं आपको एक चीज़ सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में समझाया था कि हमें क्या चाहिए, देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना, दो दो वे से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के दो तीन वे हैं, मैं आपको पहला एक दो वे बता दे रहा हूँ, देखो सपोज समझना ध्यान से कि मान लो मुझे ए बी का निकालना है, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए बी का हाइट, और मेरे पास हमेशा देखो हमेशा याद रखना बच्चों कि इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो हमारा ये है कि जो आपको चाहिए दो चीज़ें हमें रखनी है, ये मैं ऐसे ऐसे गोल सर्कल सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
एक है क्या होता है, जो हमारा नोन होता है, हमें कुछ गिवन होता है क्वेश्चन में, नोन लिख दो या फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख दो गिवन गिवन, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ इसको एक, मान लो एक क्वांटिटी, इसको मैंने कहा कि ये हमारा नोन है, इसको गिवन, इसको एक क्वेश्चन में गिवन हो, एक नोन होना चाहिए जैसे भी हो। और एक क्या है, एक अननोन होगा जिससे हमें निकालना है, अननोन मतलब जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, और गिवन क्या है, हमें बी सी गिवन है, हमें से ही कंपेयर करोगे ना कि जो गिवन है उसको पकड़ोगे और जो हमें चाहिए फिर उसको पकड़ोगे, दो चीज़ें होती है, यही वो दो चीज़ें हैं। मैं इसे सर्कल से करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप माइंड में भी इमेजिन कर सकते हो, ये दो चीज़ें, दो चीज़ें क्या याद रखनी है कि क्या हमें चाहिए और क्या हमारे पास है, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज़ करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए वो आप डिसाइड कर लो, और क्या है आपके पास वो डिसाइड कर लो। तो क्या आपके पास है, दैट इज़ बी सी, ये हमारे पास है, बी सी का मेजरमेंट 15 है, लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारे पास है, ये हमें चाहिए। तो जो आपके पास है और जो आपको चाहिए वो दो चीज़ें, एक को न्यूमरेटर और एक को डिनोमेटर, आप चाहो तो जो आपको चाहिए उसको भी न्यूमरेटर असाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी, अब इसको न्यूमरेटर कहो या फिर इसको न्यूमरेटर कहो, या फिर इसको डिनोमिनेटर कहो या फिर इसको डिनोमिनेटर कहो, बट कोई एक न्यूमरेटर कोई एक डिनोमिनेटर में होगा। ये दो रूल याद रखो, क्या आपको चाहिए क्या आपके पास है, ये दो चीज़ें होगी। अब इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर असाइन करना है, अगर मान लो बीसी को न्यूमरेटर असाइन करते हो तो इसको डिनोमिनेटर करो, या फिर चाहते नहीं सर हम इसको न्यूमरेटर करेंगे तो इसको इसको डिनोमिनेटर करना पड़ेगा आपको, ये दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि जो जो मेरे पास है मैं उसको रखता हूँ न्यूमरेटर, मैंने ए बी को रखा, फिर मैंने डिसाइड किया जो मुझे जो मेरे पास ऑलरेडी जो मेरे पास है उसको मैं रखा न्यूमरेटर, जो मुझे चाहिए उसको रखा न्यूमरेटर, ए बी चाहिए था ना हमें, तो ए बी को मैंने रखा न्यूमरेटर पे, जो हमारे पास है बी सी उसको मैं रखता हूँ डिनोमिनेटर। आप चाहो तो बी सी बाई ए बी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ऊपर नीचे हो सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा, मैं करके भी दिखाऊंगा, सेम आएगा आंसर, ठीक है। बस ये चीज़ समझना है कि आपके पास है और क्या आपको चाहिए, दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे, एज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया, इक्वल टू यहाँ पर दे दो, और हमारे यहाँ पर एक एंगल हमें सोचना पड़ेगा, एंगल तो दिखिए सोचना क्या पड़ेगा, एंगल तो हमें 60 डिग्री है, यहाँ पर हम दे देंगे इसको। अब यहाँ पर सोचो, अब ये जो ए बी है, अब यहाँ पर अब क्या होगा, 60 डिग्री तो मैंने लिख दिया, अब यहाँ पर साइन हो सकता है, कॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कौन डिसाइड करेगा ना, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। अब जो ए बी है, ध्यान से देखो फिगर में, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो ए बी आपका है ना ये हाइट है, तो हमको बताया था कि हमारा जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाला जो होता है जो साइड, उसको हम बोलते हैं पी, और 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम एच बोलते हैं, और नीचे वाला तो आपका बी है ही, ये जो साइड हमारा बी सी इसको बोलेंगे बेस। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है? ओके, तो ए बी बाई बी सी हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या है, देखो ए बी हमारा पी है तो यहाँ ऊपर लिखो पी, और नीचे क्या है, बी सी हमारा बी है तो यहाँ पर लिखो बी, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, ये 60 डिग्री ऐसे ही रहेगा, इधर ऐसे रखो, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा क्या होता है, टैन होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका टैन आ गया, देखो कितना सिंपल हो गया। तो इसको मतलब जो जो भी चीज़ें यहाँ से हमने समझा, अब इसको यहाँ पर हम कट कर लेते हैं और डायरेक्टली लिखते हैं कि हमें क्या मिला, टैन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी, समझ में आ गया। इसको चाहो तो आप रफली एज यूज़ करके कर सकते हो, फिर करते करते आ जाएगा माइंड में, डायरेक्टली आप यही लिख दोगे, ऐसा मत लिखना, ऐसे लिख देना, टैन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी, इतना समझ में आ गया, क्लियर है? अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा, टैन 60 डिग्री हमारा कितना होता है, √3, यहाँ पर √3 लिखो इक्वल टू ए बी बाई बी सी, तो ए बी का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, सर ए बी ना किसका, अच्छा बी सी हमें गिवन है, तो बी सी का वैल्यू हमारा कितना है 15, यहाँ पर 15 पुट कर लो, अब इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सिंपल से बात है, कुछ इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ए बी मल्टीप्लाई विथ 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी मल्टीप्लाई विथ 1 इक्वल टू 15√3, यही होगा ना, 15 मल्टीप्लाई √3, 15√3, तो ए बी का हमारा वैल्यू कितना आ गया, 15√3, तो यही आपका हाइट ऑफ द टावर है। अगर कोई बच्चा बोला सर आपने ए बी बाई बी सी किया, क्या मैं बी सी बाई ए बी करके देखूँ, वही आ रहा है, चेक करोगे, चेक करो, देखो मैंने यहाँ पे दे दिया बी सी बाई ए बी, तो अब रिलेशन हमारा क्या बन गया बच्चों बताओ, यहाँ पर 60 डिग्री तो रहेगा ही, अब हमारा रिलेशन यहाँ पर क्या बन रहा है, बी बाई पी बन रहा है, तो बी बाई पी हमारा क्या है, बी बाई पी हमारा कॉट है, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉट, कॉट 60 डिग्री। तो फाइनली मैं आपको बोला हूँ ऐसा करना मत, तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ समझ जाओ, तो कॉट 60 डिग्री इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, बी सी बाई ए बी, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे यहाँ पर क्या होगा, बोलो अब यहाँ पर जी, अब इस चीज़ को मैं साइड में यहाँ पर साइड में इधर करता हूँ, ठीक है, अब मुझे बताओ कॉट 60 डिग्री है कितना, हमारा कॉट 60 होता है 1/√3, तो अब यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ, इसके बाद से नीचे कर दे रहा हूँ, कॉट 60 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे, इक्वल टू बी सी का वैल्यू हमें पता है, यस बी सी का वैल्यू 15 डिग्री यहाँ पर, सॉरी 15 मीटर यहाँ पर दे दो बाय ए बी, अब निकालो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ए बी मल्टीप्लाई विथ 1 कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा,
फिर 15 मल्टीप्लाई रूट थ्री कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ओके। तो यहाँ पर देखो 15 रूट थ्री, देखो सेम आया कि नहीं। कोई भी रास्ता अपनाओ आपको आंसर वही निकलेगा। अब ये दो पॉसिबिलिटी ही हैं आपके ओके। तो आपको नॉर्मल लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे ये क्वेश्चन बनाना है, बस इसी कॉन्सेप्ट पे एंगल ऑफ एलिवेशन और आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी पे क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे फिर उसका फिगर ड्रॉ करोगे और क्वेश्चन बन जाएगा, बड़े आसानी से क्वेश्चन बनेगा। और इस पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में कराऊंगा ओके। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी का। तब तक इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज है। यहाँ पर हमको दिखा दे रहा हूँ, दैट इज़ हम 9.1 से शुरू करेंगे, ये वाला 9.1 से अब हम स्टार्ट करेंगे ओके। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।